चलो एक्सरसाइज 9.5 151 पेज में। तो लास्ट तो अपने क्वेश्चन नंबर 5 करने को बोला था, तो उसमें कौन से में डाउट आने बोला? 5 फिफ्थ क्वेश्चन। मतलब ये a माइनस बी ए प्लस बी प्लस बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी प्लस सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए इज इक्वल टू जीरो, मतलब इसका आंसर जो है जीरो आना चाहिए था मुझे, तो नहीं आना क्या उसमें? किसी को क्वेश्चन नंबर 5 में और कोई क्वेश्चन में डाउट जैसा था है? किसी को डाउट किसी क्वेश्चन में? सो डेट वाले जो क्वेश्चन है ना 9.5 में, thank you.
सेकंड में क्या करोगे 100 माइनस 1
और होल स्क्वायर, उसमें कौन सी लगेगी, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर वाली। और थर्ड में 102 है तो 100 प्लस 2 होल स्क्वायर मतलब यही वाली लगेगी। फिर फोर्थ में 998 तो आप उसमें 1000 माइनस 12 सॉरी 2 1000 माइनस 2 होल स्क्वायर। फिर 5.2 का स्क्वायर उसमें उसमें आपको 5 प्लस 0.2 होल स्क्वायर ऐसा कर सकते हो। 5.2 होल 5.2 स्क्वायर है ना, उसमें आप 5 प्लस 0.2 स्क्वायर ऐसा करोगे। फिर सिक्स्थ में 297 है तो उसमें दो अलग अलग ब्रैकेट बनेंगे। चलो पहले 5 तक करो। मैं सिक्स वाला है क्या है वो एग्जाम क्या किसका आंसर इसका टोटल करो वो इसका आंसर। हाँ जो भी हो वो अब मैं सिक्स में क्या है वो थोड़ा बता देता हूँ। सिक्स में आपको क्या है 297 मल्टीप्लाई 303 में वैसा आपने दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर मिल जाएगा राइट, पर ऐसा नहीं करना है, आइडेंटिटी यूज करके करना है ठीक है। तो इसमें देखो इस वाले के लिए आप करोगे 300 माइनस 3 बराबर और मल्टीप्लाई 303 है भैया, सबका ध्यान बोर्ड पे चाहिए। इसमें आपको दो ब्रैकेट बनाना पड़ेगा 300 माइनस 3 वो इसके लिए और 303 के लिए क्या लिखोगे 300 प्लस 3 ठीक है। तो अब इसमें कौन से लगेगी कौन बता सकता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए माइनस बी एंड ए प्लस बी बराबर। तो इसमें a की वैल्यू क्या कहलाएगी 300 मतलब ये चीज आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसमें देखो ये हमारे लिए क्या रहेगा इसमें 300 300 का माइनस बी बी हमारे लिए क्या है 3 तो 3 का स्क्वायर ठीक है। तो 300 का स्क्वायर क्या होगा 90,000 3 का स्क्वायर और इसमें से 9 जाएगा तो 9,009 नहीं आएगा सर 8,992
बराबर है ना। तो ये इस तरह से उसमें जैसे ये सिक्स है ना, वैसे ही सिक्स सेवन, हाँ सिक्स सेवन और नाइन वाला वो इस तरह से रहेंगे। एट वाले में तो वो वाली लग सकती है ना। अब नाइन माइनस जीरो पॉइंट समथिंग कर सकते हो, कितना जीरो पॉइंट वन होगा ना, वो चेक कर लेना। फिर सुनो, ये पूरी एक्सरसाइज आप लोगों को कंप्लीट करनी है भाई। सुनो यार, तो पूरा ध्यान भी नहीं दे, तो बातें ही करते चल रहे हो यार। खाकपन पढ़ने की बात कर रहे हो। हाँ तो ये पूरा एक्सरसाइज ही आप लोग कंप्लीट कर सकते हो। देखो क्योंकि सेवंथ क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर सेवन में, उसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली ये सब आगे आया हुआ ही है, ठीक है। तो वही वाली आइडेंटिटी यूज करनी है। फिर क्वेश्चन एट में एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, आपको पूरी आइडेंटिटी दी हुई है, ठीक है। उसी का यूज करके आपको ये पूरा करना रहेगा, ठीक है। तो उसमें आप जैसे कि वन में 103 इंटू 104 है, तो उसमें आप पहले ब्रैकेट में लिखोगे 100 प्लस 3 और दूसरा ब्रैकेट बनाओगे 100 प्लस 4। जैसे कि यहाँ पे इसके लिए मैंने लिखा है, इसी तरह दो अलग अलग ब्रैकेट बनाओगे, ठीक है। फिर ये जो अंदर आइडेंटिटी दी हुई है उसमें सारी वैल्यू आपको रखोगे, ठीक है। अगर फाइव तो करो, करोगे, ठीक है। जिसमें डाउट रहे वो बाकी रखना, तो नेक्स्ट लेक्चर में वो मैं समझाऊंगा, ठीक है। हाँ क्या इसमें माइनस बीस लगेगी, जिसमें ए स्क्वायर क्या लगेगा और फिर जो बी क्या लगेगा। ओके बेल दोस्त।